ऐसा किसको लाना चाहते हैं? जय राम श्री राम। डबल मिल रहा था, डबल मिल रहा था। भैया बता रहे हैं और घूमिए ना, अभी और मिलेगा। युवा है तो युवा सबको भड़का रहे हैं जयराम मातो। नहीं नहीं, भड़का नहीं रहे, जगाने का काम करते हैं। नहीं नहीं, युवा सबको जगाने का काम कर रहे हैं। जगाने का काम जी हाँ। मेरे साथ तो जयराम मातो वाला, जयराम मातो। लेकिन के साथ बदलाव होने चाहिए क्या भैया? आपको क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए कि वही रहना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। भैया आपको क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए एकदम? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो फिर से हम लेके आ चुके हैं चुनाव से रिलेटेड वीडियो। अभी देख सकते हैं मेरे पीछे नावाड़ी थाना बोकारो, यही डुमरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहीं पे अभी आ चुके हैं और यहाँ से अभी हम लोग जानने वाले हैं पब्लिक का ओपिनियन कि इस चुनाव में क्या ओपिनियन है पब्लिक का, मतलब दावेदारी किसका ज़्यादा है, हम लोग देखने वाले हैं। और इस वीडियो में अंत तक पूरा बने रहें और देखते रहे। चलिए पब्लिक से पूछते हैं। जानो इन वोट 20 तारीख वोट लगे तो की लागो, अब की बार चुनाव जो है तो 20 तारीख है, सरकार चेंज होवे चाहिए कि वह सरकार, मतलब कि डुमरी में रह चाहिए? सरकार चेंज है, सरकार चेंज होवे चाहिए। और डुमरी में की लागो कि अब की बार के जीतक चांस ज्यादा लग रहा है? जयराम मातो कहेगी देवी भी, देवी है यशोदा देवी है, बहुत सब देखी जकर भाई। हाँ। तो जयराम मातो के बोल रही, तो जयराम मातो के ही जीतक चांस ज्यादा का है कि इसलिए कि थोड़ा गड़बड़ देखा लोग। अच्छा, गड़बड़ देखा पिछला सरकार जो था उसमें थोड़ा गड़बड़ देखा। हाँ। इसलिए चेंज होना चाहिए। हाँ। और दादू तो की चाहे सरकार वह रह चाहिए कि चेंज हो चाहिए? चेंज हो चाहिए, चेंज हो चाहिए। डुमरी विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो क्या लगता है आपको, इस बार चेंज होना चाहिए कि वही रहना चाहिए? नहीं, चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। आपके अनुसार अभी क्या लगता है किसके जीतने के चांसेस ज्यादा? अभी तो ऐसे तो तीनों का आने की बराबरी में चल रहा है। हाँ। ठीक है, लेकिन अनुमान है तो सबसे ज़्यादा जयराम है। जयराम मातो और डुमरी विधानसभा में चेंज होना चाहिए कि विधायक वही रहना चाहिए, आपके अनुसार क्या लगता है? देखिए, आपका बात हम लोग सब तरह से माने, लेकिन अभी हम लोग कांग्रेस का जो है हम लोग मेंबर हैं। अच्छा, मेंबर है कांग्रेस का, मेंबर है, इसीलिए हम लोग तो देवी देवी तरफ है। अच्छा, आप भी है? हाँ, पदाधिकारी हम लोग दोनों को कांग्रेस का। आप यही थाना में देखिए, थाना में चौकीदार सब का देखे हम न्यूज पेपर में कि उन सब का भी 6 महीना से पैसा बकाया है, क्यों? मैया सम्मान योजना देने के लिए पैसा है मानते हम, तो फिर हवलदार जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं जो चौकीदार है उस सबको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैया सम्मान योजना जो दे रहा है अच्छा है, बिजली का बिल भी माफ किया वो अच्छा था, किसान का जो बिल दिया था 2 लाख तक ले वो माफ किया। अरे बिजली बिल माफ ये सब कब किया, कब तो किया? ये लॉकडाउन से आपका गेहूँ चावल ही बंद कर दिया अपना राशन कार्ड वाला, सबसे पहला गलती है कि राशन कार्ड बंद कर दिया है हेमंत सोरेन। अरे ये जो अभी निकाले ये कब किया, 2-4 महीना पहले? 3 साल से पहले क्यों नहीं दिया हो? मेरा कहने का है ये पहले भी कर सकते थे ना, राशन तो मिल ही रहा है, राशन तो मोदी वाला मिल रहा है ना, फिर वाला तो दे कहाँ रहा है? इसमें जब मोदी सरकार बना तो ये क्या किया, जो पहले से जो राशन चालू था उसी को तो ये दे रहा है। हाँ, वो क्या किया कि 1 किलो में जो 1 रुपया लेता था उसको ये माफ किया। ऐसे ऐसे सुनने को मिलेगा आपको, और जैसे एंटी वाला इसी ही बड़ा अभी क्या बोल रहा है कि ये तो जो माया सम्मान योजना जो दे रहा है नहीं तो मोदी दे रहा है, चावल के दे रहा है तो मोदी दे रहा है, तो इसमें और सुनने को मिलेगा। जैसे भाई साहब अभी बोल रहे हैं ना, वो भी मिल रहा था चावल, ये भी मिल रहा था 15-15 लाख मोदी जो दिया, यही जाने 15-15 लाख जो मिला इनको मिला, इनको मिला, हमको नहीं मिला 15 लाख रुपया जो बोले थे ना जो नहीं, ऐसे मिलेगा और कहने सुनने को, जब भैया बता रहे ना और घूमिए ना अभी और मिलेगा कि वो भी मिल रहा था और ये भी मिल रहा था, लेकिन किसी को नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला, सुनिए पहले सब बोलने, पहले मिला है आगे वाला जो सरकार उसी का चालू किया हुआ सब है। चाची हाँ। क्या लगता है आपकी बार डुमरी में क्या होगा, चेंज होना चाहिए कि वही सरकार रहना चाहिए? चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चेंज क्यों होना चाहिए, बेबी देवी जो है उनको क्यों चेंज करना चाहते हैं आप? ऐसा किसको लाना चाहते हैं? जय राम श्री राम। जयराम मातो का, जयराम मातो क्या अच्छा लगता है? वो जो नीति कानून का जो बात करता है ना, अच्छा लगता है। तो अभी भूख लगी है थोड़ा बहुत, लेकिन छोड़िए अभी भूख, अभी पेट में उसका दर्द नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है विधानसभा चुनाव से लेके हमको। तो क्या लगता है भैया आपकी बार चेंज होना चाहिए कि वही सरकार रहना चाहिए? चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए।
कौन आएगा? सो बढ़िया करेगा जी यहाँ जो उसके उम्मीदवार, मतलब जो उसमें खड़ा है अभी फिलहाल, कौन है मतलब जो उसके टक्कर दे रहा है? कौन टक्कर दे रहा है? कौन है? जयराम माता है ना? अब जो अब आप बोलिएगा ना, मेरे हिसाब से जयराम माता वाला। जयराम माता आपके अनुसार? जयराम माता, जयराम माता झारखंड के लिए वो जयराम माता बेस्ट है। देख रहे हैं क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ वो मतलब अपने अनुसार ये कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, तो जयराम माता के बारे में बोलते हैं कि वो विरोधियों से मतलब लड़का सबको बहका रहा है। वो बहकाने वाला काम नहीं कर रहा, जो सत्य है वही उसी के बीच में वो लड़ाई कर रहा है। ठीक है, बहकावा बात करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। करेगा भाई, जीतेगा तब ना करेगा, अभी कुछ नहीं है, वो जीता नहीं है। ठीक है, तो अच्छा। ऐसे बहुत काम कर चुका है, यानी आप चाहते हैं इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना। ठीक है, समोसा खाइए, अब हमको भूख मिट गया भैया। की लागो अभी चुनाव चल कर ले चुनाव है जीतो सब कैसे कैसे कर, अभी आदमी के मन की बात। अभी की लागो यहाँ जे डुमरी विधानसभा में माहौल किस तरह लग रहा है? गर्म कि ठंडा? गर्म है। गर्म है, ठंडा के दिन में गर्म माहौल? गर्म, ज्यादा ककर गर्म माहौल लग रहा है? ज्यादा गर्म। अरे अरे एक लड़के भेज रहे हैं हमारे, जरा महतो, जरा महतो का है, बेबी देवी तो है, बेबी देवी के गढ़ यहाँ मानल जाए, जगन्नाथ महतो के गढ़ मानल जाए तो उठा ठीक बात है, ऐसा कोई दिक्कत ना है, लेकिन समय के साथ बदलाव होवे चाहिए। यानी कि आपके अनुसार समय के साथ बदलाव होना चाहिए क्या भैया? आपको क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए कि वही रहना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए भैया, आपको क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए एकदम? आपके अनुसार क्या बदलाव होना चाहिए कि नहीं? बदलाव बहुत जरूरी है यार, बदलाव होना चाहिए। नहीं बदलाव होगा तो कैसे चलेगा बताओ? क्या लगता है आपकी बार मतलब कि एक तीन तीन कैंडिडेट हैं जी दावेदार में ज़्यादा, एक आशू से यशोदा देवी, जे एल के एम से जयराम मातो और बेबी देवी, जे एम से, तो क्या लगता है अभी तीनों में ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपके अनुसार सबसे ज़्यादा अभी किसका चर्चा हो रहा है? अभी तो देखिए चारों तरफ तो मुझे जयराम मातो का ही लग रहा है। यानी कि आपकी बार यहाँ डुमरी में लगता है आपकी बार जयराम मातो जीत के दावेदार ज्यादा हैं? हाँ, वो उसी का तो सपोर्टर देख रहा हूँ बहुत ज्यादा है, चारों तरफ जिस तरह वे काम कर रहे हैं अभी और चारों तरफ लोगों को जगा रहे हैं, थोड़ा लोगों को जागरूक बना रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जयराम मातो बहुत ज्यादा मतलब जीत में है। बाकी तो पता नहीं, अंदर की बात कौन जानता है, वो तो सही बात है। यानी कि आपके अनुसार चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तो एक भैया यहाँ भी बैठे हैं, तो इनसे भी राय लेते हैं। क्या भैया क्या लगता है आपकी बार क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए कि वही रहना चाहिए सरकार? नहीं, इस बार चेंज होना चाहिए। चेंज क्यों होना चाहिए? क्योंकि वह सबका सरकार बनना चाहिए। हाँ, तो आपके एक ही सरकार को कितना बार देखा जाए। हाँ, नया सरकार आएगा, नया काम करेगा, नया जोश से काम करेगा। नया कौन आना चाहिए? जयराम मातो। जयराम मातो ही क्यों? जरा मतलब युवा है वो, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नाम कमाए, उम्मीद है कि पहले से बेहतर काम कर पाएंगे। अब जैसे कि पब्लिक बहुत कोई बोलता है कि युवा है, तो युवा सबको भड़का रहे हैं जयराम मातो। नहीं नहीं, भड़का नहीं रहे, जगाने का काम करते हैं। नहीं नहीं, युवा सबको जगाने का काम कर रहे हैं, जगाने का काम। जी हाँ, अभी ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, सब जगह घुसमारी है। हाँ, हर जगह युवा सब इतना जाग गया है कि अभी मतलब फेस टू फेस उसे टॉक टू टेबल कर सकते हैं। यानी कि एक बदलाव अभी आप लोग देख सकते हैं कि जयराम मातो इतना थोड़ा सा बदलाव ला दिए हैं अभी, ये ही बिना जीते ही, इनके अनुसार कहने के अनुसार कि हाँ, अभी अभी जिस ऑफिस में जाइए फेस टू फेस उस ऑफिसर से आप अपना हक के लिए बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं जी। यही कहना है आपका? जी जी हाँ। तो यानी आपके बार क्या होना चाहिए? आपके पास जयराम मातो। जयराम मातो जी हाँ। चलिए, डुमरी से कि पूरा झारखंड से? पूरे झारखंड से, मैंने तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, डुमरी से तो हम लोग का फिक्स है। डुमरी से फिक्स है? हाँ फिक्स है। चलिए।